주님! 예 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 होली के रंग जिए के संग होली के रंग जिए के संग मोदी मोदी जय मोदी जय करोगे मोदी भारत मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है भारत माता की जय मोदी भाई बहन ससेवा जिंदाबाद जो कहा वो करके दिखाया ये गोविंद राम जी हैं पाकिस्तान में थे यहां आए और ऐसे नहीं मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं घर भी गया मिलकर भी आया और एक ही बात कहते थे कि हम आ तो गए हैं लेकिन नागरिकता हमें कब मिलेगी ये इनके बेटे हैं बंधु राम रोज फोन पे बात करते हैं ये प्यारा सिंह जी अफगानिस्तान से जो सिख बंधु यहां बैठे हैं जितने आए हुए पीछे मैं एस जयशंकर जी को गुरुद्वारे में लेके भी गया था विदेश मंत्री जी को तब भी एक बात हुई थी तब भी हम कह के आए थे कि आप इंतजार कीजिए हम ये काम पूरा करेंगे और हमें नेतृत्व पे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है भरोसा था भरोसा रहेगा हमें मालूम था कि वो ये करके दिखाएंगे अरविंद जी कह रहे हैं रिफ्यूज अब करेंगे मैं अपना दर्द बताता हूं मेरे माता पिता दोनों ने 47 का बंटवारा देखा है हम तो हिंदुस्तान में थे वो पाकिस्तान कब बना वो यहां के रहनुमा जाने वो तो हिंदुस्तान में रहते थे और किस तरह से वहां से आए थे वो दर्द आज भी उनकी आंखों में झलकता है तो मैं इन भाइयों का भी इनके परिवार का दर्द समझता हूं क्योंकि तो मेरे परिवार में दर्द मैं जानता हूं कि अपना घर छोड़ के आना और बच्चों को बड़ा करना उनको पालना कितना बड़ा काम है और वो भी तब जब आपकी अपनी पहचान आपके हाथ में ना हो और ये भाई मिला मुझे तस्वीर का है 30 साल की उम्र होगी इसकी अपनी आइडेंटिटी इसको अब मिलेगी कि मैं तस्वीर हिंदुस्तानी ये मेरा पासपोर्ट है तो इतने ऐसे लोगों की आंखों के आंसू जो है वो पहुंचने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है मैं अपनी बात करूं तो मैं भावुक हो रहा हूं मैं घर जाता हूं बहनों से मिलता हूं माताओं से मिलता हूं मुझे तकलीफ होती है भाई इनका कसूर क्या था इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये माइनॉरिटीज होते दूसरा नंबर ज्यादा था जो अत्याचार करता है प्रताड़ित करता है अब वो चाहे सिख है ईसाई है पारसी है जैन है बौद्ध है हिंदू है वो सब जो यहां आ गए वो अब हमारे अपने हैं और भारत की सरकार ने ये अधिकार उनको दिया भारत